दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान दर्शन में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करना हुआ आसान, इन तीन तरीकों से घर बैठे करें ये काम। अपने मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक कराने वाला टेक्स्ट मैसेज तो आपके पास आया ही होगा, क्योंकि भारतीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुसार मोबाइल नंबर को अब आधार कार्ड से लिंक करवाना ज़रूरी हो गया है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए सरकार ने फरवरी 2018 तक की अवधि निर्धारित की है। बताया जा रहा है कि यदि इस समय तक आपने अपने आधार से मोबाइल नंबर नहीं जोड़ा तो आपका सिम कार्ड स्वतः डीएक्टिवेट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हालांकि अब तक इस काम के लिए ग्राहक को आधार एनरोलमेंट केंद्र तक जाना पड़ता था, लेकिन तमाम विरोध के बाद सरकार ने तीन अन्य तरीके लोगों को दिए हैं, जिनकी सहायता से आप घर बैठे ही अपने मोबाइल नंबर को अपने आधार कार्ड से लिंक करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसकी जानकारी खुद दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने दी है। ये हैं तीन तरीके। पहला तरीका, यदि आप कोई भी मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है और आप दूसरी सिम का भी पंजीकरण करना चाहते हैं तो यह प्रक्रिया आपके लिए और भी आसान होगी। मोबाइल कंपनियां अब ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप के द्वारा यह सुविधा देगी। यहां पूरी जानकारी भरने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जिसे भरने के बाद आपका मोबाइल नंबर आधार से स्वतः ही जुड़ जाएगा। जी हां दोस्तों, और दूसरा तरीका जो है वो इस तरह से है। दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने बताया कि जिन ग्राहकों के पास से ज़्यादा तकनीकी जानकारी नहीं है, उन्हें OTP के अलावा IVRS की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए कंपनी की वेबसाइट या फिर ऐप के ज़रिए पहले रजिस्टर कराना होगा और फिर इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम पर उनको सारी जानकारी उपलब्ध करानी होगी। यह जानकारी सही पाई जाती है जाते ही मोबाइल नंबर आधार से लिंक हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और तीसरा तरीका जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो बहुत ही बढ़िया तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। सरकार ने इसके लिए तीसरा और सबसे आसान तरीका भी बताया है, जिसके अनुसार ग्राहक अपने घर पर ही कंपनी के एजेंट या फिर प्रतिनिधि को बुलाकर मोबाइल नंबर आधार से लिंक करवा सकते हैं। हालांकि यह सुविधा विकलांग, बुज़ुर्गों और बीमार लोगों के लिए ही है। जी हाँ, उन्हीं के लिए होगी। वही इसके लिए भी पहले वेबसाइट या फिर ऐप पर ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपने अभी तक ज्ञान दर्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। धन्यवाद।